आपको मिलवाते हैं 26 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर आने वाली वेब सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 2 की टीम से। नया सीजन, नई कहानी, लेकिन किरदार वही पुराने। क्या कुछ खास होने वाला है इस बार, आइए आपको दिखाते हैं। तो दिल्ली क्राइम सीजन 1 के बाद सीजन 2 आ रहा है। दिल्ली क्राइम सीजन 1 लोगों ने काफी पसंद किया था और उसकी वजह थी निर्भया केस, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन शायद सीजन 1 की जो कहानी की बात है, कैसे वो 6 कैरेक्टर 6 अक्यूज पकड़े गए थे, उसका जो ताना बाना बुना गया था उस पूरे सीजन 1 में, शायद वो सबसे बेहतरीन चीज थी। लेकिन अब उम्मीदें ज्यादा हैं, क्योंकि देश का, शायद भारत का पहला वेब सीरीज है जिसको इंटरनेशनल एमी अवार्ड मिला है, तो जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। सीजन 2 में क्या कुछ होगा उसको बताने के लिए आज सीजन 2 की हमारी पूरी टीम जो साथ में यहां पर हैं, डायरेक्टर साहब भी हैं, डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी मैडम सर, एसीपी बल्कि उस वक्त आईपीएस ट्रेनी थी हमारे राजेश तैलंग साहब, इसके अलावा डायरेक्टर तनु चोपड़ा, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी, बल्कि मैं ज्यादा कहूँ आजकल उसी नाम से आप पॉपुलर भी हैं, जो पहला सीजन था जिस तरीके से उसमें पूरा 3 साल करीब हो गया, 3 साल के बाद यह दूसरा सीजन आ रहा है। फिल्मों में, सीरीज में हम लोगों ने अक्सर देखा, सीरियल्स में भी पुलिस वालों को एक सुपर कॉप की तरह दिखाया जाता, लेकिन अगर मैं डेली क्राइम की बात करूं तो वो बहुत ही रियल जो कैरेक्टर, एक पुलिस वाला फील्ड में कैसा होता है, फैमिली के साथ कैसा होता है, इस कैरेक्टर को प्ले करते करते आपके अंदर कुछ बदलाव आए, या पुलिस के बारे में आपकी जो राय और परसेप्शन है वो बदली है? बहुत सारी कोई भी कैरेक्टर करते हुए आप अपना हिस्सा उस कैरेक्टर में छोड़ जाते हैं और वो कैरेक्टर उसका इम्पैक्ट आप पर छोड़ जाता है। जब हमने दिल्ली क्राइम 1 किया खास तौर पर, तब जब वो केस हुआ था सबके जहन में यही बात थी, एक तो गुस्सा था और दुख था, और एक चीज जो कॉन्स्टेंटली सबके दिमाग में चल रही थी, मेरे दिमाग में भी, कि कोई इसके बारे में कुछ कर क्यों नहीं रहा। लेकिन जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी तब मुझे रियलाइज हुआ कि कोई कुछ कर रहा था, एंड 5 दिनों में उन्होंने सारे 6 कल्प्रिट्स को पकड़ा, और इट वॉज अ वुमन। सो एक सडनली अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी आई थी वो जानकर। और आपने बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली क्राइम एज अ शो भी, इट्स अ वेरी रियलिस्टिक रॉ शो, कोई फसाड, कोई प्रिटेंस नहीं है। और ऑफकोर्स कॉप से बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, और हर जिंदगी में, जैसे हर फील्ड में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, इंसान होते हैं, इसीलिए गलतियां भी करते हैं और डे टू डे स्ट्रगल्स करते हैं। इट्स नॉट ईजी फॉर देम। जो हम लोगों को वो शो करते वक्त, इवन सीजन 2 करते वक्त रियलाइज हुआ कि हमें लगता है कि क्या ऑफिस में बैठते हैं, इतना पावर है, लेकिन उन पर जो प्रेशर होता है शायद आम आदमी उसके बारे में नहीं जानता। राजेश जी, आपने जिस तरीके से पहले सीजन में किया है, मैं जो कि लगभग 20-25 साल से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, पुलिस वालों के साथ उठना बैठना होता है, आपका जो रोल था, मैंने कई देखा, जैसे इंस्पेक्टर राजेंद्र शर्मा थे, बाकी जो निर्भया केस से जुड़े हुए थे, बहुत ज्यादा आप उनके करीब थे अपनी अदाकारी में, तो क्या इन लोगों से मिले, उन लोगों को पढ़ा, देखा, उनको समझा, उसके बाद इस पूरे कैरेक्टर को आपने प्ले किया? एक तो हम लोग सभी लोगों के साथ एक वर्कशॉप सी हुई थी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, थोड़ा तो बेसिक प्रोटोकॉल्स और बाकी चीज़ें क्या होती हैं वो ख्याल रखने के लिए। राजेंद्र सिंह जी से मैं मुलाकात भी की थी, हालांकि मैंने मतलब कोई उनकी, क्योंकि उनपे ऑटोबायोग्राफिकल वर्क नहीं था जी, तो उनकी मतलब कोई नकल नहीं की, लेकिन फिर भी मतलब उनका एक सोल, उनका जो बेसिक पकड़ने की कोशिश की, अंदर से उनका सोच क्या है वो पकड़ने की कोशिश की, बजाय की आउटर। एक लोग जानना चाहते हैं रासिका, आप बोलिए कि पहले सीजन में तो आप डीसीपी जो वर्तिका चतुर्वेदी की छत्र छाया में थी, आईपीएस ट्रेनी थी, तो आपको आपके थाने वाने मिले इस नए सीजन में आपको, या फिर कुछ बदलाव आया आपके पोस्ट में और काम में? हाँ, अब तो मैं एसीपी हूँ, वेरी गुड, तो कॉन्फिडेंस है काम में, और कुछ वक्त हो गया है तो उतनी नर्वसनेस नहीं है जितनी सीजन 1 में थी, को कि काम कैसे करते हैं, और सडनली उसको एक बड़े केस में भी डाला गया, तो काफी चीजें सीख रही थी वो इस बार। लेकिन हमने थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी ली है कि जैसे अगर एसीपी को देखा जाए तो उनके अंडर कुछ दो तीन थाने होते हैं जनरली, बट क्योंकि हम सबको एक थाने में डालना था तो हमने थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टीज ली है।